ओके जो लास्ट क्लास हमने एनालिसिस किया था उसका भी हम डिज़ाइन करेंगे ये रहा हमारा लास्ट क्लास का प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूस बीम का लाइफ लोड मैं आपको शो कर दे रहा हूँ ये था हमारा प्रॉब्लम एक यूडीएल एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड और एक बेरिंग लोड ठीक है अभी हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारे पास तीन डिजाइन का सैंपल है स्टील कंक्रीट एंड एल्यूमिनियम हम कंक्रीट को सिलेक्ट करेंगे हमारा आई एस कोड फोर फाइव सिक्स सिलेक्ट करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोर फॉर डिजाइन ऑफ कंक्रीट ओके उसमें से वेरियस कोड है हम आई एस फोर फाइव सिक्स को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे तीन हमारे पास सेक्शंस हैं सिलेक्ट पैरामीटर्स उसमें से हम चार पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे क्लियर कवर कॉम्पेसिव स्ट्रेंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एंड हील स्ट्रेंथ ऑफ सीयर एनफोर्समेंट ओके दैन उसको ओके okay करेंगे उस चार पैामीटर्स को हम अभी डिफाइन करेंगे क्लियर कवर हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव एम एम बीम के लिए ऐड करेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव एम ट्वेंटी फाइव के लिए ट्वेंटी फाइव पर मीटर स्क्वायर हिल स्ट्रेंथ ऑफ मेन बार हो गया हमारा फो एफ ई फोर वन फाइव दैट इज़ फोर वन फाइव इंटू वन थाउजेंड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और हमारा सीयर एनफोर्समेंट इ स्ट्रेस फोर वन फाइव इंटू वन थाउजेंड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर उसको क्लोज़ करेंगे अभी हमारा ये चार पैरामीटर्स को हम अभी असाइन करेंगे उससे पहले हमें ये इसको बताना है कि हमें ये बीम का डिज़ाइन कर लें इसलिए कॉम इसको हम क्या करेंगे डिज़ाइन कमांड पे जाएंगे डिजाइन बीम सिलेक्ट करके हम इसको ऐड करेंगे देन अभी जो हमारा क्लियर कवर हो गया एफ सी हो गया एफ़ आई एफआई एफ आई एंड डिज़ाइन बीम हम उसको सब इस बीम में असाइन करेंगे तो क्लियर कवर को सिलेक्ट करेंगे यूज कर्सर टू असाइन करके सब पार्ट को बीम के सिलेक्ट करके हम इसको असाइन करेंगे जैसे हमने क्लियर कवर को असाइन किया वैसे हम एफ सी एफ आई मैन एफ आई एंड डिज़ाइन बीम को हम उसको असाइन करना पड़ेगा क्योंकि बिना असाइन के हम बीम एनालिसिस और बीम डिजाइन नहीं कर सकते ठीक है सो डिजाइन के लिए हमने यहाँ चार पार्ट सिलेक्ट किए हैं चार पैरामीटर्स हो गए क्लियर कवर हो गया एफ सी हो गया एफ आई मेन हो गया एफ आई सेकेंडरी हो गया आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद हम रन एनालिसिस करेंगे रन एनालिसिस करने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो एरर रह आना चाहिए उसके बाद हम गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके हमारा लाइव लोड हमने जो दिया था उसके हिसाब से कैसे डिजाइन हो रहा है देख सकते हैं ये हो गया हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड का विंडो तो उसमें हम रिएक्शन में जाके आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं कौन से सपोर्ट में कितना रिएक्शन आ रहा है ठीक है दिज आर द रिएक्शन्स वैल्यू एंड दिज आर द बीम रिजल्ट उसमें से आप बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं सीअर फोर्स देख सकते हैं बीम स्ट्रेस देख सकते हैं एनी थिंग यू वांट ओके एंड दिस इज द रिपोर्ट यू कैन प्रिंट द रिपोर्ट ओके अभी हम एनालिटिक मोड में जाएंगे और बीम का यही पोर्शन को बीम वन को हम सिलेक्ट करेंगे इस कॉन्टीन्यूस बीम के उसमें से आप देख सकते हैं जियोमेट्री है प्रॉपर्टी है लोडिंग हो गया सीयर फोर्स डिफ्लेक्शन एंड कंक्रीट डिजाइन ओके सो इन दिस सीयर फोर्स बेंडिंग सेक्शन यू कैन सी सीयर एंड बेंडिंग then you can see the uh, deflection in y uh, direction and for that part the concrete design okay you can treat also similarly you can select section two section three and section four where you can find all the aspect analysis as well as design of that section only okay so Analysis and design complete one. Thank you.